नमस्कार, आज मैं आप लोगों को दुर्दुरिया के बारे में बताऊंगी कि इसमें कैसे क्या होता है। दुर्दुरिया करने के लिए हमारे अवध क्षेत्र में सबसे पहला काम मिट्टी, साफ मिट्टी की छह ढेलकी सामने देखिए जैसे बनी हुई है और गोबर की गौर इकहरी में छह ढेलकी लगती है और एक गौर लगती है। लेकिन अगर दोहरी दुर्दुरिया अर्थात अगर 14 औरतों की दुर्दुरिया हम सुहागिनों की चबवा रहे हैं तो उसमें जो है 14 ढेलकी लगती है और दो गौर लगती है। छह ढेलकी बीच में गौर रख कर के घी गुड़ को हम मिलाएंगे और उसमें टीका लगाएंगे, कलश रखेंगे, कलश के ऊपर चावल भर के कटोरी रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे, देखिए सामने रखा हुआ है, और घी गुड़ पहले गौर माता को लगाएंगे, फिर ढेलकी में लगाएंगे, इसके बाद ये कलश में आम के पत्तों पर और ये कलश में भी लगाएंगे, इसके बाद जो है उस पर सिंदूर का टीका लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे, इस तरह से ये सब तैयारी हो गई। और सिंदूर जो है ये देखिए घी गुड़ लगाया जा रहा है, फूल से सजा देंगे, बिंदी का पत्ता भी चढ़ाएंगे, उसको जो है हम सुहागिनों को देंगे लगाने के लिए। और ये देखिए पत्ते में सिंदूर लगाया जा रहा है, अगियार करेंगे घी गुड़ और जो मिठाई। और इसके लिए हमें सामग्री चाहिए इकहरी के लिए जो है 2.5 किलो में आप चना गुड़ और मिठाई कर दीजिए अगर इकहरी दुर्दुरिया आप चबवा रहे हैं तो, और 7 सुहागिन का निमंत्रण दे दीजिए। लेकिन अगर आप दोहरी दुर्दुरिया कर रहे हैं तो इसमें 5 किलो लगता है, जैसे 2 किलो लाई हो गया, 2 किलो पेड़ा, 1 किलो चना, या मात्रा आप अपने अनुपात में भी कर सकते हैं, रहेगा 5 किलो ही, आप मिठाई कम कर सकते हैं या लाई चना जो भी जैसे भी व्यवस्था हो। दोहरी में 5 किलो लगता है और इकहरी में 2.5 किलो का किया जाता है। और सुहागिने जो हैं सुबह आ जाएंगी, उसके बाद जो है सबसे पहला काम ये पूजन करेंगे और भीख इसमें जो है लिया जाता है 12 कूड़ा लगाएंगे, और जो 2 सुहागिन हैं दोहरी दुर्दुरिया में बैठी हुई हैं उनको हम एक एक पसर जो है उनके आंचल में भीख देंगे। इस तरह जो है दुर्दुरिया का कार्यक्रम हम लोगों के यहाँ होता है। देखिए सब आंचल में देखिए कैसे अंजुरी से जो है लाई और चवैना दे रही हैं। मिठाई का 14 जगह लगेगा, लेकिन ये लाई और चना जो है इसको जो है भीख मांगा जाता है। और उसके बाद जो है सारी सुहागिनें गौर माता को और जो ढेलकी बनी हुई है सब पर सिंदूर चढ़ाती हैं, और उसके बाद ये चद्दर जो बिछा रहता है इसको हम लोग कहते हैं कि अवसान माता का पैर दबाना। इसको जो है देखिए सारी औरतें साथ में मिलकर के अवसान माता का पैर दबा रही हैं, और इसके साथ जो है गीत भी गाया जाता है। इसके साथ गीत है, मोरी चुटकी पिरानी गोड़वा हम ना मिजबे ना, मोरी चुटकी पिरानी गोड़वा हम ना मिजबे ना, फिर मिजबू फिर मिजबू फिर मिजबू ना, देबे मांगे कैसे नुरवा गोड़वा फिर से मिजबू ना, देबे हाथ कार चुड़िया गोड़वा फिर से मिजबू ना। इसी तरह हर सुहाग के सामान का नाम लेकर के इस गीत को गाया जाता है, और ये चद्दर का पैर मींजने के बाद इसको जो है नीचे गोल गोल करके और हाथ पैर उसमें बना करके उसमें बिंदी लगाते हैं और सिंदूर का टीका लगा देते हैं। इस तरह जो है ये दुर्दुरिया का पूरा कार्यक्रम होता है। और आंचल में जब लिए रहते हैं तो उस समय कहानी भी होती है, कहानी सुनते समय 7 चना लाई और मिठाई लेकर के कहानी सुनी जाती है। इसे आप देखिए, अगर ये आपको पसंद आता है तो कहानी का कार्यक्रम मैं आगे वाले वीडियो में रख रही हूँ। देखिए किस तरह से उसमें सिंदूर और बिंदी सब कुछ लगाया जा रहा है, और उसके बाद जो है लाई और चना को लोग चबाते हैं और घर भी ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। इस तरह ये दुर्दुरिया का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। इसको अवसान माता जो है मनौतियाँ भी पूरी करती हैं, कोई भी कष्ट है उसके निवारण के लोग अवसान माता की दुर्दुरिया को मानते हैं, या अपने घर में सुख सौभाग्य के लिए भी ये कार्यक्रम किया जाता है। और बहुत आसान तरीके से ये जब भी आपके पास समय है बृहस्पतिवार के दिन आप अवसान माँ
की पूजा कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें कोई बहुत खर्च भी नहीं है। अवसान माता की कृपा जो है आप पर बरसती रहेगी। इस तरह से यह कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम मैंने रिकॉर्ड किया। देखिए ये अवसान माता को कपड़े से जो है पूरा देखिए कैसे गोल गोल करके बनाया गया है और उसी में टीका लगाया जा रहा है, बिंदी लगाई जा रही है। इसके बाद जो है देखिए कैसे अवसान माता को अच्छे से टीका लगा करके और बिंदी लगाई गई। धन्यवाद।